लाया था जो राजा को पास भी नहीं था, वह देखिए उस समय का रोलिंग जेरोक्स मशीन, जो किसी के पास जेरोक्स मशीन नहीं था, टाइप रिकॉर्डर नहीं था, उन्होंने अपना जेरोक्स मशीन विदेश से लाया जो रोलिंग करके जेरोक्स किया जाता था। और यहाँ पे शीशम लकड़ी से बना हुआ टेलीफोन है जो लकड़ी का है। ऊपर देखो 1968 में जब इन्होंने छोड़ के गया तो उससे पहले उन्होंने हाथों से बिजली का फैन बनाया था। तो ये इस परिवार ने इस फैन को बनाया था जिसको स्पेशलिटी है वुडन ब्लेड, इसका जो ब्लेड है वो वुडन से बनाया गया है। ये 1968 के बाद बिजली आया और उसके बाद इसको इस्तेमाल हुआ, उससे पहले नहीं था। जो केरोसिन वगैरह से चलता था फैन वगैरह वो आगे रखा हुआ, केरोसिन से रूम हीटर है, केरोसिन से फ्रिज है, जो उस समय का है वो आगे रखा हुआ है। ये हस्बैंड वाइफ को ले होता था फैन, दोनों जब समय मिलता था दोनों बराबरी में हवा खाता, दोनों को बीच में रखता, वो दोनों के लिए होता था हस्बैंड वाइफ के लिए। यहाँ पे है शॉर्पनर है जो पेंसिल को छीलने का तरीका है, ओल्ड टेक्निक है। और यहाँ पे राजस्थानी साड़ी रखा हुआ है, ये मोती का काम करता था, पटवारी था, तो उसके साड़ी से उसके ऊपर आर्च बना था, वो सब साड़ी अलग अलग होएगा कि सब से साड़ी पहनता था, वो सब रखा हुआ है। मोस्टली राजस्थान में लहरिया का काम फेमस है, जो लहरिया साड़ी यही बनता है। रेगिस्तान में जाओगे तो रेत तकी में जो लहर होता है उस लहर से लहरिया बनता है, उससे वो आपका दिखाया जाता है। यहाँ पे राजस्थानी वेशभूषा, यहाँ पे ट्रेडिशनल और वेशभूषा रखा हुआ दोनों स्टैचू में। जब शादी ब्याह होता है तो लड़की को ऐसे और लड़के को ऐसे, बर और बहू यानी हस्बैंड वाइफ को ऐसे सजाया जाता था, दुल्हन और दूल्हा कैसे उनको श्रृंगार किया जाता था, सोलह श्रृंगार उनको दिखाया गया। कुछ पालकी है लेडीज को ले बैठने को ले, ये फोल्डिंग साइकिल जगह कम तो फोल्डिंग साइकिल करता, और उस समय में ये सब चीजों सामान साथ में लेके ये सारे चीज निकाल गया। इसको बाद हम जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे प्राचीन थाला है, एक बहुत सारा थाले होंगे, एक थाला 50 ग्राम से स्टार्ट करके 20 केजी तक थाला वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक थाला का 1, 2, 3, 4 चाबी लगने को बाद खुलता था, ऐसे कि ये परिवार को सुरक्षित रखने का तरीका। एक परिवार में अगर 4 भाई हैं, एक को पास अगर चाबी दे देते हैं वो अपना हिसाब से पैसे उड़ा देते हैं, तो चारों के पास 4 चाबी। अब इनको जब पैसे चाहिए इन भाई से लेना पड़ेगा चाबी, ये उसको प्रेम देगा तभी तो देगा, यही प्रेम भावना को एकत्रित रखने का टेक्निक, ताकि भाई भाई प्रेम रहेगा तो परिवार बिखरेगा नहीं। इसीलिए एक तरह का 3-4 चाबी होता जो यहाँ पे दिखाया गया। ये हस्बैंड वाइफ को ले भी होता था, हस्बैंड अगर वाइफ को नाराज कर दे तो चाबी नहीं देगा, तो जो भी है पैसे वगैरह उसको नहीं मिलेगा, वो तरीका था वाइफ को खुश रखने का। हस्बैंड वाइफ ताला ये वाला हस्बैंड वाइफ ताला जो लॉक 20 के जी का है, जो मेन लॉकर में लगता था, दोनों साड़ी लगेगा खुलेगा। बेस जाएगी लगे तो